और अब बात करते हैं श्री रामचरितमानस की। ये हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथों में से एक ग्रंथ है और इस महाकाव्य की रचना 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। सात कांड में विभाजित इस महाकाव्य में प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन विस्तार से है और ऐसी खास रामचरितमानस तैयार की गई है चेन्नई में और चेन्नई के ज्वेलर ने इसको तैयार किया है। क्या खास है इस रामचरितमानस में और कहां रखी जाएगी ये कृति, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसी खूबसूरत रामचरितमानस की कृति शायद ही इससे पहले कभी किसी ने देखी होगी। ये रामचरितमानस न तो किसी खास कागज पर लिखी गई है और न ही किसी विशेष कपड़े पर, बल्कि 147 किलोग्राम धातु से तैयार की गई है, जिसे सोने की तरह चमकाने के लिए 700 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है, यानी इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। भारत के तो बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंट्स और सब कुछ है और रीसेंट वन है राम टेम्पल जो अयोध्या पे है, और हम अभी वुमुडी बंगार ज्वेलर्स पे हैं जिन्होंने पहले ही सिंगोल को बनाकर इंडिया के इतिहास में दे फाउंड अ प्लेस एंड राइट नाउ उन्होंने एक और मास्टरपीस को क्रिएट किया है। इसका नाम है रामचरितमानस। ये अभी गोल्ड प्लेटेड 522 पेजेस में उन्होंने प्रिपेयर कर दिया। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी, जिसे आज भी हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में पढ़ा और पूजा जाता है। अवधी भाषा में रामचरितमानस के इस महाकाव्य को तैयार करने का जिम्मा चेन्नई के वुमिदी बांगरू ज्वेलर्स को सौंपा गया था, जिन्होंने 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद गोस्वामी तुलसीदास की रचना को अब धातु पर उकेरा है। और खास बात यह है कि रामचरितमानस लंबे समय तक हूबहू ऐसी ही बनी रहे, इसके लिए भी खास तरह की कोटिंग की गई है। ये जो है ये फर्स्ट पीस है, लेकिन मास्टर पीस एंड इसमें लेटरिंग कैसे होगा, किस टाइप में होगा एंड दिस टोटल जो थिंग्स है ये पीडीएफ कॉपी है, मतलब हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बट वो क्या क्या चेंजेस करके उसको कर सकते हैं बिकॉज इट शुड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसके बारे में जो जितना भी हम लोग का रिसर्च डेवलपमेंट था, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के ऊपर हम लोग ओनली रिसर्च डेवलपमेंट किया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किया जो एचिंग प्रोसेस है, एसिड एचिंग, and this is a very sophisticated technique and hum log successful hua. uske baad hum log sample banaya, uske baad approval liya, approval ke baad main khud ram temple gaya, so I'm very lucky that main inside mein gaya before opening also and I've taken the measurement and all these thing, they have given the space, so I can't do beyond that. So, full process एक ड्रीम है मेरे लिए। सोने की रामचरितमानस को तैयार करने वाली टीम के सदस्यों ने बताया कि अनोखी कृति अयोध्या के नए नवेले राम मंदिर में रामलला के पास स्टैंड पर रखी जाएगी। इस काम के लिए टीम को 3 घंटे का समय दिया गया है और वो भी तब जब मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद होंगे। राम मंदिर में किधर रखने वाले हैं और इसको लोग देख सकते हैं क्या? लोग देख सकते हैं बट इट विल बी द सर्टेन डिस्टेंस। और ये जो है रामलला का चरण में रखा जाएगा 522 पेजेस में। एक पेज को मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, इसमें 6 कांडम है रामायण का और ये आप देख रहे हैं पूरा का गोल्ड है, इट्स लाइक कम्प्लीटली शाइनिंग। और ये है एक हिस्ट्री और एक मास्टरपीस। वुमुडी बंगार ज्वेलर्स ने दोबारा एक मास्टरपीस बनाकर अभी इंडिया की हिस्ट्री पे दूसरा टाइम उन्होंने दे हैव फाउंड अ प्लेस। ये है पूरा का पूरा 520 पेजेस ऑफ रामायण जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये अभी अयोध्या जाएगा। बताया जा रहा है कि इस अनोखी खूबसूरत रामचरितमानस को रामनवमी के मौके पर राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, जिसे दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु भी दूर से देख पाएंगे। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं सीसीटीवी कैमरों की। पिछले कुछ सालों से सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। घर हो, दफ्तर हो, मॉल, मल्टीप्लेक्स, दुकानें, यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि ध्यान रखा जा सके। आम लोग भी अपने घर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों पर आजकल जोर दे रहे हैं। बड़े शहरों या फिर मेट्रोस, शायद गिनती के घर ऐसे रह गए हैं जहां पर कैमरा न लगा हो, यानी कि भागदौड़ वाली जिंदगी में सीसीटीवी कैमरा भी एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसका नुकसान होने लगा है। भारत में मिल रहे ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे चीन में बने हैं, उनमें लगे सॉफ्टवेयर चाइनीज हैं, जिनको हैक करना मुश्किल काम नहीं है। इस्तेमाल में लाए जाने वाले ये सीसीटीवी कैमरे
स्टैंड अलोन यूनिट नहीं है, यानी कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं जिसमें रिकॉर्ड की जा रही फुटेज यानी कि आउटपुट को आप दुनिया में कहीं भी बैठे देख सकते हैं। खास तौर पर जब चीन में बने सस्ते क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा लगाए जाते हैं तो रिकॉर्ड किए डेटा को चीनी कंपनियां बिना आपकी अनुमति के चीन में रहकर भी अपने सर्वर के हिसाब से देख सकती हैं। डेटा स्टोर करने के दौरान एंड टू एंड एनक्रिप्टेड फीचर नहीं होने की वजह से कोई भी देख या फिर सुन सकता है, जिसकी वजह से डेटा की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। जहां जहां ऐसे कैमरे लगे हैं वहां वहां हैकिंग और साइबर हमलों का खतरा मंडरा रहा है, और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने मंत्रालय और सरकारी विभागों में सीसीटीवी कैमरों की खरीद उनके इस्तेमाल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे खरीदते वक्त पहली बात जिसका ख्याल रखना है वो ये कि उसके हार्डवेयर की जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यानी मंत्रालय और सरकारी विभागों को अब सीसीटीवी कैमरों की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। विभागों को सीसीटीवी कैमरा खरीदने से पहले ब्रांड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करनी होगी। सीसीटीवी कैमरों और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस की सिक्योरिटी और उससे जुड़े रिस्क को देखते हुए कहीं से भी सीसीटीवी कैमरा न खरीदने की सलाह दी गई है। इसके अलावा हर मंत्रालय और विभाग को सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क को सिक्योर रखना होगा। साइबर हमलों से बचने के लिए एजेंसियों की तरफ से सार्वजनिक नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी में सीसीटीवी की सेटअप के तुरंत बाद डिफॉल्ट पासवर्ड बदलने की भी सलाह शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि सभी कैमरों के रिकॉर्डर और एक्सेस पॉइंट के लिए मजबूत पासवर्ड रखना भी सरकार की सलाह में शामिल है। केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब हैकिंग और साइबर अटैक की वजह से सीसीटीवी कैमरों की सिक्योरिटी को लेकर भी रिस्क खड़ा हो गया है। ऐसा माना जाता है कि भारत में बड़ी संख्या में चीन की ही सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल होता है, जिनको बनाने वाली कंपनियां चीनी सरकार का सीधा नियंत्रण उसमें रहता है या फिर आंशिक रूप से उसके पास स्वामित्व है, और इसी के चलते पहले से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी सीसीटीवी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 10 लाख सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, जो कि साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सस्ता होने की वजह से भारत में चाइनीज सीसीटीवी की खरीद बड़े स्तर पर होती है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां इस मामले को लेकर अब अलर्ट हो चुकी हैं। सीसीटीवी कैमरा भी एक कंप्यूटर रिसोर्स बन जाता है, जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इंटरनेट पर जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और एक बार आपने कोई भी चीज इंटरनेट के साथ जोड़ दी तो संभावित तौर पर उसे हैक करना बहुत आसान होता है। क्योंकि आजकल सीसीटीवी कैमरा पर ज्यादा तवज्जो है कि साहब सस्ता लेना है, और अगर आप सस्ते सीसीटीवी कैमरा लेंगे तो उनको हैक करना एक बच्चे का खेल है। तो अगर स्थिति में अगर आपको इस बात का आभास हो जाए तो अच्छी बात है, और इसलिए कहीं ना कहीं अब आपको प्रबल रूप से सीसीटीवी कैमरा की जो सुरक्षा वाले एलिमेंट्स हैं उस पर ज्यादा ध्यान और तवज्जो देना पड़ेगा, वरना हैक तो ये बहुत आराम से हो सकते हैं, और एक बार हैक हो गए तो उसकी तमाम सारी जानकारी भी निकाल कर आप ही के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स हैं, आपकी जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं, वो कैप्चर होके भारत के बाहर भेजी जा रही हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की दिशा में भी किया जा सकता है। इसलिए अब जरूरत हो गई है इस बात को देखने के लिए कि हम इंश्योर करें कि जो भी हम सीसीटीवी कैमरा ले रहे हैं उनमें एक मिनिमम एडिक्वेट लेवल ऑफ साइबर सुरक्षा हो। खास तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सीसीटीवी कैमरा की जो आउटपुट है वो भारत के बाहर किसी और के पास नहीं जा रही है, केवल आउटपुट आप ही के पास पहुंच रही है। और बात पहले की कर लेते, लगभग 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान काफी अंधेरा भी दिख सकता है। क्या साल 2014 के पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी खास बातें हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हो
होली के मौके पर 2024 का पहला चंद्र ग्रहण लगा था, लेकिन अब साल के पहले सूर्य ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 अप्रैल को चैत अमावस्या के मौके पर साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, ये एक आम खगोलीय घटना होती है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका असर हमारे और आपके जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे में यह खगोलीय घटना अहम हो जाती है। 8 अप्रैल को पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण कई वजह से खास है। इस बार चंद्रमा की विशेष स्थिति की वजह से यह बीते 5 दशकों का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान दुनिया के कुछ हिस्सों में अंधेरा छाया रहेगा, कुछ क्षेत्रों में 7 मिनट 5 सेकंड तक अंधेरा रहेगा। इसके पहले 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को हुआ था, जो 6 मिनट 39 सेकंड तक चला था। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि कनाडा, मैक्सिको और उत्तर अमेरिका में पूरी तरह देखा जा सकेगा। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा अपनी प्रक्रिया पथ पर चलते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऐसा होने पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचना बंद हो जाता है, जिस वजह से पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। ये सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के जैसी स्थिति होती है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छे खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।